कदम था अक्कन मक्कन दही चटोकन ढूंढो बचपन कहां गया अक्कन मक्कन कदम था अक्कन मक्कन कदम था झिलमिल झिलमिल दो नैनों पे झिलमिल पलके तितली सी है बादल या बिजली सी अक्कन मक्कन दही चटोकन ढूंढो बचपन कहां गया अक्कन मक्कन अक्कन मक्कन ये देखिए ये है वो, ये है मेरी अंतरा। कल ये आपकी बेटी मेरी दुकान में आई थी, अब ये मेरे घर में है। बच्ची क्या गूंगी बह रही है? नहीं, लगता है इसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है। तब तो इसे असाइलम भेजना होगा। सुबह बच्ची कहाँ है? उसे तो मैं डॉक्टर साहब के साथ जाकर पुलिस स्टेशन छोड़ आई। गाड़ी रोको। अरे भाई, ये गाड़ी के पीछे कौन दौड़ा चला आ रहा है? अरे सुनो, सुनिए अंतरा, पापा। ये अंतरा अंतरा क्यों बोल रहे? सावंत, गाड़ी साइड में ले लो। कौन है तू? गाड़ी के पीछे क्यों भाग रहा है? हाँ, मेरी बच्ची कहाँ चली गई थी तुम? कहाँ चली गई थी तुम अपने पापा को छोड़कर? कहाँ चली गई थी? जब से तुम गई हो, तुम्हारा पापा सोया नहीं, कहाँ कहाँ ढूंढ रहा था तुम्हें। सॉरी बेटा, आई एम सॉरी। अब मैं तुम्हें कभी खोने नहीं दूंगा, कभी नहीं। तुम ठीक तो हो? चलो बेटा, चलो घर चलो। लो, पापा आ गए। अब सॉरी, ये मेरी बेटी है। वो तो ठीक है, लेकिन हम कैसे मान ले? मतलब? अरे भाई, मतलब ये कि हमारा भी कुछ फर्ज बनता है। हाँ, ड्यूटी हमें भी करनी है। अगर तुम्हारी जगह कोई और आता और वो ये कहता कि मैं इसका पापा हूँ, और अगर हम मान भी लेते, आपको कैसा लगता? देखिए इंस्पेक्टर साहब, मैं सच कह रहा हूँ, ये मेरी बेटी है। वो तो सब ठीक है, चलो पुलिस स्टेशन चलते हैं। चलो गाड़ी में बैठो, चलो। लेकिन इंस्पेक्टर साहब, देखिए मेरी बात सुनिए इंस्पेक्टर साहब। मेरा नाम आदित्य है, आदित्य वर्मा, और ये मेरी बेटी है अंतरा वर्मा। ओके, चलो गाड़ी बैठो। लेकिन इंस्पेक्टर साहब, देखिए इंस्पेक्टर साहब, अगर चलो अंदर बैठो इसको। चलो आइए आइए, आप आइए आइए, आप आइए आप। सबूत तो देना पड़ेगा सर। सबूत? अब क्या सबूत दूं कि ये मेरी बेटी है? पिछले 5 दिनों से मैं इसे पागलों की तरह ढूंढ रहा हूं। ये देखिए, ये इसकी तस्वीर लेकर मैं इसे हर तरफ ढूंढ रहा हूं। इससे क्या होता है? क्या मतलब इससे क्या होता है? उससे ये कहा साबित होता है कि ये आपकी बेटी है। अगर ये मेरी बेटी नहीं होती तो मैं इसे दर दर क्यों ढूंढता इंस्पेक्टर साहब? कमाल की बात कर रहे हैं आप। जरा एक सेकंड, ये पैम्पलेट आप मुझे दीजिए। चलो मान लो अब ये मेरी बेटी हो गई, अब आप क्या कहेंगे? कैसी बेकार की बातें कर रहे हैं आप। गरम मत होइए, बैठ जाइए।
देखिए इंस्पेक्टर साहब, ये मेरी बेटी है और मैं इसे अपने साथ घर ले जाना चाहता हूं। अगर ये तुम्हारी बेटी है तो तुम्हें पापा कहकर क्यों नहीं बुलाती, और वो तुम्हें खुद को गले भी लगाने नहीं दे रही। जी वो ये ऑटिस्टिक है इसलिए। वेरी गुड, कहानी में ट्विस्ट। नहीं मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, सच। इसका इलाज चल रहा है, ये ऑटिस्टिक है। ये तो कोई अंग्रेजी नाम है, कोई दिमागी बीमारी, पागल। नहीं देखिए ऑटिज्म है इसे, ऑटिज्म। अच्छा तो इसलिए आपको पापा के घर नहीं बुला रही। जी बैठ जाइए। क्या मैं तुम्हें पागल बेवकूफ दिखता हूं कि आप कोई भी कहानी बनाओगे और मैं मान लूंगा? सर प्लीज आप समझने की कोशिश कीजिए, प्लीज। आप समझने की कोशिश कीजिए, कानून हम बच्ची को आपके हवाले नहीं कर सकते। प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स ले आइए और फिर ले जाइए बच्ची को, वरना बच्ची के असली माँ बाप मिलने तक वो पागल खाने रहेगी। अरे जब मैं कह रहा हूँ कि मैं इसका पिता हूँ तो आप मेरी बात मान नहीं रहे और इसे असाइलम में भेजने की बात कर रहे हैं, जहाँ इसे देखने वाला कोई नहीं होगा और पागल की तरह ट्रीट करेंगे इसे सब। ए, इतनी बकबक करने की जरूरत नहीं है, अगर इतना है तो मेरे सामने बोल इसे पापा कहने के लिए। सर आप समझते क्यों नहीं है, ये नहीं बोल पाएगी। आप मेरा विश्वास कीजिए, मैं सच बोल रहा हूँ इंस्पेक्टर साहब। मैं कब मना कर रहा हूँ, बच्ची का बर्थ सर्टिफिकेट ले आइए, उसमें आपका नाम देख लेंगे, फिर आप बच्ची को ले जाना। उसके बर्थ सर्टिफिकेट पे मेरा नाम नहीं होगा इंस्पेक्टर साहब, वो उसकी माँ का नाम होगा उस पर। क्यों? जी वो काफी लंबी कहानी है। देखिए हम यहाँ किसी की मनगढ़ंत कहानी सुनने के लिए नहीं बैठे, समझे आप? नहीं मनगढ़ंत कहानी नहीं है, मैं सच कह रहा हूँ। उसके बर्थ सर्टिफिकेट पे सिर्फ उसकी माँ का नाम है। तो फिर उसकी माँ को ले आओ। जी वो अब इस दुनिया में नहीं है। वैसे एक बात बता, तेरा नाम क्यों नहीं लिखा है बर्थ सर्टिफिकेट पर, क्या लफड़ा है? ले ले उठा ले, तेरे लफड़े का होगा। हेलो। हेलो आदित्य, कहाँ हो तुम? मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। अरे कर ले कर ले। अंतरा मिल गई है। पर यहाँ पुलिस स्टेशन में इंस्पेक्टर साहब मानने के लिए तैयार नहीं है कि मैं ही उसका पिता हूँ, इसलिए उसे मेरे हवाले नहीं कर रहे हैं। मैं बाद में फोन करता हूँ तुम्हें। एक मिनट, तुम हो कहाँ, किस पुलिस स्टेशन में? बोरीवली पुलिस स्टेशन में। Thank you.
इंस्पेक्टर साहब प्लीज छोड़ दीजिए ना मेरी बच्ची को, प्लीज देखिए मेरा विश्वास कीजिए, प्लीज सर। देखो मेरा दिमाग मत चाटो, एक बार बोला ना प्रूफ लेके और बच्ची को ले जाओ। प्रूफ चाहिए ना आपको, ये लीजिए। इसमें अंतरा के स्कूल का सर्टिफिकेट और आइडेंटिटी कार्ड दोनों है। ये कौन है? मैं इसकी माँ हूं। कहानी में ट्विस्ट, अब पता चला इसके बर्थ सर्टिफिकेट पे तुम्हारा नाम क्यों नहीं है। वैसे एक बात बताओ भाई, तुम काम क्या करते हो? जी मैं बैंक में नौकरी करता हूँ। छोड़ दो यार, तुम फिल्मों के लिए कहानी लिखो, देखने में मजा आएगा, नाम भी बहुत होगा। ये सबूत मैं नहीं मानूंगा। क्यों? ये तो किसी प्राइवेट स्कूल और अनाथ आश्रम का सर्टिफिकेट है। तो क्या हुआ? पर उसमें ये तो लिखा है ना कि आदित्य वर्मा ने अंतरा को गोद लिया है, और क्या चाहिए आपको? इसे मैं प्रूफ नहीं मान सकता, हमें सरकारी पेपर चाहिए। क्या प्राइवेट स्कूल झूठे सर्टिफिकेट देते हैं? मुझसे बहस करने से बेहतर होगा कि आप कोई सरकारी कागज ले आइए, जिससे ये स्पष्ट हो जाए कि इन दोनों में रिश्ता क्या है। या इस बच्ची से बुलवाए कि इसके पापा है, या हम इसे असाइन ले जाएंगे, लड़की तो कुछ बोलती नहीं। अंतरा, अंतरा बोल दो बेटा, बताओ इनको, बताओ कि मैं ही तुम्हारा पिता हूं। बोलो बेटा, बोलो। पापा? हाँ पापा है ना, हाँ ये पापा है, तुम जानती हो। प्लीज अंतरा, प्लीज बोलो ना, प्लीज प्लीज अंतरा, प्लीज भगवान के लिए प्लीज बोल दो, बोल दो कि मैं ही तुम्हारा पापा हूं। बोलो अंतरा। क्या एक्टिंग करते हो आप? आपको तो फिल्मों में होना चाहिए था। मिस्टर आदित्य वर्मा, मिस्टर आदित्य वर्मा, मिस्टर आदित्य वर्मा, मिस्टर आदित्य वर्मा। आदित्य वर्मा 31 July 1975 9920082382। आदित्य वर्मा 31 July 1975 9920082382। आदित्य वर्मा 31 July 1975 00 82382। आदित्य वर्मा 31 July 1975 9920082382। हाँ सुना, आदित्य वर्मा, और वो जो बर्थ डेट बोली, ये मेरा ड्राइविंग लाइसेंस, ये देखिए इसमें मेरी बर्थ डेट लिखी है, और उसने जो नंबर बोला वो डायल कीजिए, आप डायल कीजिए। देखिए ये मेरा नंबर है, अब तो विश्वास हुआ आपको? और कोई प्रूफ चाहिए आपको? अरे हवलदार दे दो इनकी बच्ची, और रजिस्टर में लिख लेना, केस रफा दफा करो।
मुझे और भी बहुत काम है। बस 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 ये लो। सब भगवान का लाख लाख शुक्र है कि हमारी बेटी सही सलामत घर वापस आ गई। जैसे विद्या भाभी ने बताया कि अंतरा मिल गई तो बच्चे जिद करने लगे कि अंतरा का स्वागत हम बहुत अच्छी तरह से करेंगे। वैसे हम इतना कुछ कर नहीं पाए लेकिन फिर भी। गुप्ता जी, इसके पीछे आपका जो स्नेह है बस वही बहुत बड़ी बात है। थैंक यू वेरी मच। चली गई थी, मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही थी। मम्मी पापा तुम्हारे लिए रो रहे थे। मैं तुम्हें कभी खोने नहीं दूंगा। अब जब भी हम बाहर जाएंगे मैं तुम्हारा हाथ